बेटा ने कसा बेटा ना बेटा ने कसा उनके खाए पिए के भी दिक्कत पटे ना खाए पिए के हां बा दिक्कत सिलेंडर भी नहीं है चूल्हा पर खाना बनेला और ओहे खातिर घरो नहीं है ना दिक्कत बा अपन जान दे दी वही ओहे बात भइल बा हैं बिया के ना आदमी कह लगे अपन जान परन दे दी ये बात भइल बा ये बात भइल बा ना माने ना कहला कि कोई अपन कहीं जान दे देती त ना रहती ना देखी थी ये बात भइल बा नो सच्चाई है बा ये सच्चाई बा ना बखुला के लोग कहला कि जतनी मर हर जाए ये सच्चाई बा ये सच्चाई बा ना कहला कि आर्थिक तंगी से परेशान हो के एगो पिता अपना पुत्री के लेके पोखरा में कूद गइले का ये जानकारी बा उनके सुन हां ये जानकारी बा खाए पिए के दिक्कत तो खाए पिए के दिक्कत बसी है सुनो डूब गो कैसे 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 से परेशान होके पिता अपना दू गो बच्ची सन के लेके पोखरा में कूद गए लोग लेके हुए थे नमस्कार हम बनी अमरजीत कुमार गिरी रेवा देखा तानी भोजपुरिया झकोरा अभी हम पहुंचल बानी सिवान जिला के हसनपुरा थाना क्षेत्र में और जैसे कि खबर तेजी से वायरल होत रहल कि एगो पिता जौन बा अपना छोट छोट दू गो बच्ची के लेके पोखरा में कूद गए बड़े और खबर में यो बतावल जाता कि बच्ची के दोनों बच्ची के देहांत हो गई बा वहाँ पिता के केहूंगा बचावल गई बा आस पास के लोग के मदद से रवा सबके बता दी कि खबर में यो लगातार चलता कि आर्थिक तंगी से परेशान हो के पिता अपना दू गो पुत्री के लेके पोखरा में कूद गए ले। हम पहुँचल बानी वो परिवार के पास में तमाम बातचीत करें हालांकि यहाँ के जौन बानी पिताजी हमरा बगल में बैठल बानी और यहाँ के साथे दोनों बच्चे गई रही सन पोखरा के पास में हालांकि ना यहाँ के बोल सकतानी और ना यहाँ के ठीक से चल सकतानी थोड़ा सा खड़ा हो जाए तो देख सकतानी कि यहाँ का थोड़ा सा दिक्कत बानी मतलब कि मानसिक रूप से भी विक्षिप्त बानी यहाँ के और शारीरिक रूप से भी यहाँ के विक्षिप्त बानी बैठी तो यहाँ के थोड़ा सा चले में भी दिक्कत बा बैठे में भी दिक्कत बा और बोल भी नहीं की सकत यहाँ के और यहाँ के लेके गई रही दोनों बच्ची सन के तालाब पोखरा के किनारे जहाँ पर दोनों बच्ची सब के डूब के मौत हो गए हुए यहाँ के आसपास के लोग जैसे तैसे बचौले बा और वो लड़की तीन गो बहन रलस है जैमें से दू गो दुनिया में नहीं के पोखरा में डूब के मौत हो गई उमें वो दोनों लड़की सबके बड़ बहन हमारा साथ में भी है एक से भी हम बातचीत करें यहाँ के महतारी बानी वो दोनों बच्ची सन के और यहाँ के दादी बानी वो दोनों बच्ची सन के और यहाँ के पिताजी बानी और आसपास के लोग यहाँ पर तमाम लोग पहुँचल बा हम एक एक करके बात करें सबसे पहले बाबू का नाम बतैलू हो बेटा बतावा सोनी कुमारी जोर से बोला सोनी कुमारी अच्छा वो के रहल लो दोनों आदमी तहार बहन है बहन बहन रहल लो अच्छा बेटा का भौवे के अंगनी का भौवे कुछ पता चलल हो ना पढ़े ना पढ़े गो रामी ना रामियो तो पढ़े गो रहो अच्छा कौन क्लास में पढ़ेलू फोर में हाथ हटाओ फोर में पढ़ेलू अच्छा तो दोनों बच्ची सन के लेके अवे लो पोखरा में से निकाल के हाँ। अच्छा जब पोखरा में से निकाल के लेवल तो तू रहू है जी ना स्कूल में रहू खेलत रहू अच्छा तो दोनों बहन सन के अपना देखा ना ना देखा ना अच्छा ये डेरा तारीख किंग का भवे खबर चलता कि आर्थिक तंगी से परेशान होके पिता अपना दू गो बच्ची के लेके पोखरा में कूद गए का मामला बा के गनिया कैसे रहा और दू गो बच्ची जमुना के उम्र एगो बतावत चलता हाथ हटा दी दू गो बच्ची जमुना में एगो के उम्र बतावल जाता चार से पाँच साल आ एगो के उम्र बतावल जाता दू से तीन साल मैंने छोट छोटा और बच्ची रही सन कैसे पोखरा के किनारे पहुँच गई सन और कैसे पोखरा में वो दोनों डूब गई सन और जौन राउर पति बाड़न वो डूब गवन लेकिन रउरा पति के आसपास के लोग बचौले बा कैसे दोनों बच्ची इतना दूर पोखरा बा वो जी पहुँच गए रही सन हम खाना बनाते रहे लोग लेके हुए थे जन्मी तो दू गो छोट छोट बच्ची सन के जब वहाँ के ठीक से चल नहीं की सकत बोल नहीं की सकत तो काहे करबा भेजमी वो उतना दूर पोखरा के किनारे खाना बनाओ हम खाना बना रोज लेके जाते रहने वहाँ रोज जाते लो तो ना कुछ दूला कल संजय गोवा घोट गए रोज नौरा दादी है वो दोनों बच्चे सन के क्या मामला बा के आ उतना दूर पोखरा तर पहुंच गवी सन ए रोज मैदान कर जतन जननी कुन लगे के रोज लेके जतन जननी रोज मैदान के लेके चलत जननी आ काले लोग संजोग घट गए तो हम का बता सकत नहीं संजोग कल घटल बा नसीबन खराब भइल बा तो छोट छोट बच्चे के गइल होई एगो 2 साल 3 साल के बियाह कैसे भइल छोट या कल नसीब है खराब हो गए तबे न कम मतलब रोज होई आ नसीब कल खराब हो गए त कम हो गइल बटे जने तो देख सकत नहीं कि आसपास के लोग भाई कैसे रहे लोग आस पास के बानी कैसे घटना घट गए उनका पता चलू है तो हमने के बाद में पता चलू है तो देख लेना सब
का माने जानकारी का मिलल रहा लोग के, जैसे कि हमने के पता चल रहा कि आर्थिक तंगी से परेशान होके एगो पिता अपना पुत्री के लेके पोखरा में कूद गए, का ये जानकारी बार उनके सुन है? जानकारी खाए पिए के भी दिक्कत बढ़िया लोग के पता ना समझौता नहीं, लेकिन वह तो ये सुन ले बनी कि पिता अपना बच्चे के लेके कूद गए ना। लेकिन अब यहाँ के बानी पिताजी और यहाँ के लेके गौरवी पोखरा के किनारे अपना दू गो बच्ची सन के जाना कि एगो उम्र 5 साल बतावल जाता और एगो के उम्र 3 साल बतावल जाता, हालांकि यहाँ के कुछ ना बोली ले और पैर से भी यहाँ के विकलांग बानी, कैसे भाऊ है दू गो बच्ची ले गए रुआ, कैसे डूब गई सन, कैसे कैसे छोट छोट राउर बच्ची है सन डूब गई, कैसे 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 के डूबा देबे डूब गई सन डूब गई सन दू गो बच्ची राउर है सन हाय राउर बेटी है तीन गो बेटी लड़का ना तीन गो बेटी दू गो बेटी पूछ कर सन एगो ये बचल भी आई है एगो बेटा ने कसो बेटा ना? बेटा ने कसो ताकि आर्थिक तंगी से परेशान होके पिता अपना दू गो बच्ची सन के लेके पोखरा में कूद गए जहाँ पर पहुँचल बन से देख सकता नहीं कि यह सरकार के विकास बा, सरकार केहू के होके विकास होखे वाला नहीं है, देख सकता नहीं कि लगातार जौन सरकार विकास के दावा करे ले चाहे तेजस्वी नीतीश के सरकार होके चाहे बीजेपी नीतीश के सरकार होके, लगातार हर सरकार जौन भी बिहार में बनता सरकार विकास के दावा तो करती है लेकिन धरातल पर पहुँचला के बाद से पता चलता कि कितना विकास भइल बा, है देखी कि हये घर बाटे कैसे ही परिवार रहता और कहीं ना कहीं खबर जौन चलता है अखबार मीडिया में जौन छपता कहीं ना कहीं सच्चाई बा वो खबर में कि परिवार के पास में कुछ भी नहीं कही, परिवार आर्थिक तंगी से जूझता और जौना से परेशान होकर जैसे कि खबर चलता कि पिता अपना दू गो बच्ची के लेके पोखरा में कूद गए, वही परिवार के पास में पहुंचल बने सन वही घर में पहुंचल बने सन, देख सकता नहीं कि वो उज्ज्वला योजना से पास ये घर में गैस के सिलेंडर भी नहीं थे, ये घर में चूल्हा पर खाना बनेला, देख सकता नहीं कि ए चाची अच्छा त्रिवलगंज में सिलेंडर नहीं थे ना 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 काट के बीन के झुकी ने सन हमारे सिलेंडर नहीं थे भैया केकर कमी नहीं बनावे जाए सिलेंडर नहीं ना हे चूल्हा पर खाना बनेला रवल के हे चूल्हा पर देख लो पानी लाल ढुके में देख लो सब चुएला करकट सब चुएला हां सब चुएला घर के पैसा ना मिलल ह ना नहीं खेलो के पास कर के पास नहीं करो ना नहीं खेलो इतना वीडियो मुखिया सरपंच के इतना निहर करतन के पास नहीं करो आर्थिक तंगी से परेशान होके पिता अपना दू गो बच्ची के लेके पोखरा में कूद गए वहां परिवार के पास से पहुंचल बने सन और देख सकता नहीं कि सच में परिवार के पास में आर्थिक तंगी बा, परिवार के पास में खाए के पिए के बनावे के रहे के कहीं ना कहीं दिक्कत बा, जब अच्छा उनके खाए पिए के भी दिक्कत पटे ना खाए पिए के हाँ बाद दिक्कत सिलेंडर भी नहीं है चूल्हा पर खाना बनेला और वही खातिर घरो नहीं है अपन जान दे दी वही उहे बात भइल बा कि बिया के ना आदमी कह लगे अपन जान परान दे दी ये बात भइल बा ये बात भइल बा ना माने ना कहला कि कोई अपन कहीं जान दे देती त ना रहती ना देखी थी ये बात भइल बा नो सच्चाई है बा ये सच्चाई बा ना बखला के लोग कहला कि जतनी मर हर जाए ये सच्चाई बा ये सच्चाई बानो बात ये लेकिन वो आर्थिक के तंगी से जौन बाकी परेशान होके लोग जैसे कि उगता जाला गरीबी से उगता जाला बच्ची बाड़ी सन बेटा नहीं के तीन तीन गो बेटी ये कारण बा देखते बनी लई कुली घर द्वार बुढ़ऊ के खटिया देखते बनी पानी में बा जब कमाई वाला आदमी ना सही तो आदमी का करे अबे नहीं करे अब जो बोलती तब न समझावल जाए क्यों भी आई मौत घबराई मौत आदमी बारे गरीब भाई बा अमीर भाई के अमीर भाई बा यहाँ के बतावत आने की जैसे कि आदमी उबिया जाला परेशान हो जाला आर्थिक तंगी से वहाँ के सुन भी नहीं की सकत हाँ, और बोल भी नहीं की सकत चल भी नहीं की सकत चल भी नहीं की सकत हाँ। तो फिर वहाँ के कैसे समझाओ जाए कि परेशान मत हो समझाओ हाँ केंगन समझाओ जाए ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं खबर के पुष्टि होता अंत में आके कि पिता परेशान रहल हन आर्थिक तंगी से कि कैसे हमने के खाए सन कैसे पीएम सन, हालांकि वहाँ के बोल नहीं की पावत समझ नहीं की पावत ना ठीक से चल पावत नहीं, फिर परिवार के लोग कैसे समझाई कि घबराई मत गरीबी है एक दिन दूर होई और कहीं ना कहीं बेटा भी नहीं है वहाँ के तीन तीन गो बेटी के कहीं ना कहीं एगो बोझ रहा शरीर के ऊपर कि भाई हम कैसे तीन गो बच्ची सन के सहारा ले के चले ना हम कमा तानी ना बोल पावतानी ना सुन पावतानी, तो कहीं ना कहीं एगो परेशानी रहा जैसे कि चाची बानी
थोड़ा सा दिखाई है कि जैसे कि सच्चाई बतौनी हो कि हो परेशान होकर के वहाँ के हालांकि हमने के कैसे समझाई सन वहाँ के समझ भी नहीं की सकत ना बोल पाओ तनी यह कारण रलक जमुना के बाद से घटना जौन बा ये परिवार में घटल बा कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर पिता जौन बा अपना दू गो पुत्री के लेके तालाब में कूद गए।